हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी? एकदम मज़े में। तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ, वागड़ सीधी असवार दौड़ जो होने वाली है 15/3/2022 को। तो सभी लोगों को आना है और इसका पूरा एड्रेस है जेसड़ा रविची रोड पर रापर कच्छ में जो रखा गया है वही। इसमें छोटी रेवल और बड़ी रेवल भी है साथ में, छोटी रेवल और बड़ी रेवल भी है इसमें, जिसमें अलग अलग इनाम रखा हुआ है। तो इसका मेन आप जो सब कार्यकर्ता जिनका नाम है माइपस सी हेतुभा जाडेजा, जिन्होंने ये आयोजन किया है पूरे सीधी घोड़ी रेस की। तो आना ना भूलिएगा दोस्तों, और इसमें जाने माने लोग वैसे शिवा बापू कलू जी सुबई वाले, तवलसी बापू, जयपाल सिंह, बहादुर सिंह, ये लोग सभी भी अपने हॉर्स राइडिंग में हिस्सा लेंगे। और ये माइपस्सी हेतुभा जाडेजा त्रंबो वाले जिन्होंने पूरा आयोजन किया है। तो आना ना भूलिएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। और हम लाइव होने वाले हैं, तो वही दिन 15 तारीख को हम लाइव होंगे। आप आना मत भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर से आइएगा और देख के ज़रूर जाना दोस्तों, और अपने घोड़े भी लेके आना, तो मज़ा आएगा थोड़ा रेसिंग में। और भी आप रेसिंग का मैदान देख रहे हो, देखो ये रेसिंग करके अभी जा रही है घोड़ी, ये पूरा रेसिंग का मैदान है। यहाँ से सामने छोटी और बड़ी रेवल और चाल सब यहाँ दिखाई जाएगी, और आप ये घोड़ी देख सकते हो कितनी खूबसूरत जा रही है। तो ऐसे ही वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं आगे आपको सभी लोगों से मैं मिलाता हूँ जो रेसिंग के लिए सब मार्किंग करेंगे, उनसे भी आपको मिलाऊँगा। तो वीडियो एंजॉय कीजिए दोस्तों। बस राइट मतलब अभी आप लोग को मैंने रेसिंग भी दिखा दिया, तो आगे मैं आपको मिलाता हूँ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सब आयोजन यहाँ पर रखे हुए सारे घोड़े। और आप ये घोड़ा भी देख सकते हो कितना खूबसूरत घोड़ा है। तो यहाँ पर मैदान में सारे घोड़े यहाँ रखेंगे एक दिन पहले, और दूसरे दिन वो सब रेस में निकाले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो बहादुर सिंह बापू यहाँ घूम रहे और घोड़े को निरीक्षण कर रहे, कैसा घोड़ा ये वो। और यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं सारे घोड़े देखने के लिए, और आप देख सकते हो जाने माने घोड़े में जो जानकार लोग है वो घोड़े पे देखते भी है कैसा घोड़ा है ये वो। और अभी ये रेसिंग चाल चल रही थी, वही घोड़ी है जो रेवल की चाल चल रही है, ये घोड़ी वही आप चलते हुए देखा होगा। तो देखते रहिए 15 तारीख को, ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच।